किसान सम्मेलन और कृषि प्रदर्शनी के इस आयोजन में मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम के इस पावन धरा पर आचार्य नरेंद्र देव जी के नाम पर स्थापित इस कृषि विश्वविद्यालय के इस प्रांगण में उत्तर प्रदेश सरकार में मेरे वरिष्ठ सहयोगी कृषि शिक्षा एवं अनुसंधान के मंत्री श्री सूर्य प्रताप शाही जी, विभाग के राज्य मंत्री श्री लाखन सिंह राजपूत जी, गन्ना विकास एवं चीनी मिलों के राज्य मंत्री श्री सुरेश वासी जी, प्रदेश के स्टाम्प इन्वेस्टेशन के मंत्री श्री रविंद्र जायसवाल जी, माननीय सांसद श्री लल्लू सिंह जी, विश्वविद्यालय के कुलपति डॉक्टर विजेंद्र सिंह जी, भारतीय जनता पार्टी के क्षेत्रीय अध्यक्ष श्री शेष नारायण मिश्र जी, माननीय विधायक श्री गोरखनाथ बाबा जी, श्री रामचंद्र यादव जी, श्रीमती शोभा सिंह चौहान जी, श्री इंद्र प्रताप तिवाड़ी जी, श्री वेद प्रकाश गुप्ता जी, अपर मुख्य सचिव कृषि शिक्षा एवं अनुसंधान श्री डॉक्टर देवेश चतुर्वेदी जी, आज के सम्मेलन में उपस्थित भारी संख्या में उपस्थित किसान भाइयों बहनों, मैं आज के किसान सम्मेलन और इस कृषि प्रदर्शनी कार्यक्रम के अवसर पर आप सबका हृदय से अभिनंदन करता हूं, आप सबका मैं हृदय से स्वागत करता हूं। मुझे प्रसन्नता है कि आचार्य नरेंद्र देव कृषि विश्वविद्यालय न केवल विश्वविद्यालय परिसर के विकास के लिए पूरी प्रतिबद्धता के साथ कार्य कर रहा है, बल्कि नए कृषि विज्ञान केंद्रों की स्थापना और पहले से चल रहे कृषि विज्ञान केंद्रों को सेंटर ऑफ एक्सीलेंस के रूप में विकसित करने की नई कार्य योजना के साथ किसान भाइयों के चेहरे पर खुशहाली लाने आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी के संकल्पों के अनुरूप 2022 तक किसानों की आमदनी को दोगुना करने के उस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए जिस प्रतिबद्धता के साथ कार्य कर रहा है, आज उसी चरण उसी संकल्पना को पूर्ण करने के लिए लगभग 90 करोड़ रुपए की परियोजनाओं का यहां पे लोकार्पण और शिलान्यास का कार्यक्रम एक साथ हो रहा है। मैं इसके लिए आचार्य नरेंद्र देव कृषि विश्वविद्यालय के कुलपति जी और उनके पूरी टीम के सदस्यों को हृदय से बधाई देता हूं और अपनी शुभकामनाएं भी देता हूं। ये जितना भी काम हो रहा है इसका एक ही लक्ष्य है, जैसे भी हो अपने अन्नदाता किसानों के जीवन में खुशहाली लाना, उनकी समृद्धि का मार्ग प्रशस्त करना, और समृद्धि और खुशहाली का मार्ग निकलेगा तब जब किसान की खेती की लागत को कम किया जाएगा, उत्पादन बढ़ाया जाएगा, किसान को खेत से लेके खलिहान तक, बीज से लेके बाजार तक एक चेन के साथ जोड़ने का कार्य होगा, उसे नई तकनीक, समय पे बीज और खाद, समय पर कृषि वैज्ञानिकों की उचित सलाह और सहयोग उसे प्राप्त होगा, तो हमारा अन्नदाता किसान वह सब कुछ करने की सामर्थ्य रखता है जो देश उनसे अपेक्षा रखता है, जो अपेक्षा प्रधानमंत्री जी ने किया है। और मैं अभिनंदन करूंगा प्रधानमंत्री जी के विजन का
और अभिनंदन करूंगा देश के अन्नदाता किसानों का जिन्होंने पिछले 6 वर्षों के अंदर रिकॉर्ड मात्रा में खाद्यान्न उत्पादन कर भारत की खाद्यान्न आत्मनिर्भरता को दुनिया के सामने एक बार फिर से साबित किया है। भाइयों बहनों, तकनीक की जानकारी होना आज के दिन की बहुत बड़ी उपलब्धि है। आज आप देखते होंगे भारत सरकार की या प्रदेश सरकार की कोई भी योजना आ रही है, हम उसे तकनीक के साथ जोड़ करके कैसे उसके जीवन में, किसान के जीवन में, मजदूर के जीवन में, सामान्य नागरिक के जीवन में कैसे परिवर्तन लाने का कार्य कर रहे हैं। या आपने देखा होगा जब 2017 में उत्तर प्रदेश में प्रधानमंत्री मोदी जी के आह्वान पर आप सब ने भारतीय जनता पार्टी को वोट देकर के सरकार बनाई थी, और सरकार बनाने के बाद जब आप लोगों ने जो भारतीय जनता पार्टी का लोक कल्याण संकल्प पत्र था कि हम किसानों के 1 लाख रुपए तक के कृषि ऋण को माफ करेंगे, और हमारी पहली ही कैबिनेट ने यह निर्णय लिया, तो वह पैसा सीधे किसान के खाते में बैंक में गया और बैंक का कर्जा स्वतः ही माफ होकर के हमारे सांसद, हमारे विधायकगण किसानों के पास सर्टिफिकेट लेकर के पहुंचे थे। ये सर्टिफिकेट आपका है अन्नदाता, ये आपका सर्टिफिकेट है, अब आप कर्ज से मुक्त हुए हैं। यानी कर्ज से मुक्त होने का मतलब आपके जीवन में खुशहाली लाना हमारा दायित्व है, उस दायित्व के लिए हम सब आपके साथ जुड़े हुए हैं। भाइयों बहनों, यही तो शासन की मंशा है। याद करिए जब 2014 में प्रधानमंत्री के रूप में शपथ ग्रहण करने के तत्काल बाद मोदी जी ने इस देश को अपने संबोधन में एक ही बात कही थी, उन्होंने कहा था कि हम लोग इस देश के अंदर गांव के लिए, गरीब के लिए, किसान के लिए, नौजवान के लिए, महिलाओं के लिए बिना भेदभाव के कार्य करेंगे, उसके अनुरूप योजनाएं बनाएंगे। योजना में कोई भेदभाव नहीं हुआ। भारत का नागरिक, 135 करोड़ की आबादी का कोई भी नागरिक शासन की योजनाओं से लाभान्वित हो सकता है, उसकी एक पात्रता तय करके पूरे देश के अंदर से समान रूप से लागू कर दिया गया। प्रधानमंत्री आवास योजना क्या किसी का चेहरा देख करके दिया गया? नहीं, जो पात्रता थी और इसकी पात्रता जब तय हो रही थी 2011-12 में, तब उस समय ना प्रधानमंत्री के रूप में मोदी जी थे, न मुख्यमंत्री के रूप में मैं था, लेकिन पात्रता जो विपक्ष ने तय की वह तो योजनाओं का लाभ गरीबों को, किसानों को, नौजवानों को, महिलाओं को नहीं दे पाया, लेकिन प्रधानमंत्री बनते ही मोदी जी ने वह कार्य करना प्रारंभ कर दिया। चाहे वह आवास की सुविधा हो, शौचालय की सुविधा हो, विद्युत कनेक्शन का है, रसोई गैस का है, आयुष्मान भारत का है, ये सभी योजनाएं तो दी ही, लेकिन अगर किसानों के बारे में ही हम देखेंगे, स्वायल हेल्थ कार्ड से लेकर के प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना, वन क्रॉप मोर क्रॉप के साथ तकनीक के साथ खेती किसानी को जोड़ने, एक एक बूंद पानी की कीमत को समझने, कृषि विज्ञान केंद्रों की एक श्रृंखला खड़ा करने और उसके माध्यम से किसान भाइयों को तकनीक के साथ जोड़ करके उनके खेत की उत्पादन क्षमता को बढ़ाना, लागत को कम करने की तकनीक उन्हें उपलब्ध कराना, ये सभी कार्य तो किए ही गए कृषि सिंचाई योजना के माध्यम से। वे सभी योजनाएं क्रियान्वित होती हुई दिखाई दी जो वर्षों से, दशकों से लंबित पड़ी हुई थी। ये सभी कार्य पूरी ईमानदारी प्रतिबद्धता के साथ हुआ, और याद करना स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट के अनुरूप अन्नदाता किसानों को न्यूनतम समर्थन मूल्य का लाभ भी मिले, यह काम किसी और ने नहीं किया। कांग्रेस ने इसको दबा दिया था रिपोर्ट को, लेकिन प्रधानमंत्री बनते ही मोदी जी ने 2017-18 में एमएसपी हरेक किसान को देने की गारंटी दी और वह भी लागू कर दिया। भाइयों बहनों, लोकसभा चुनाव के पहले जब फरवरी 2019 में प्रधानमंत्री मोदी
किसान सम्मान निधि घोषित किया तो लोग बोलते थे चुनावी सगोपा है, ये चुनावी सगोपा है, ये बाकी बाद में वापस ले लिया जाएगा। और अकेले उत्तर प्रदेश में ही अब तक हमारे 2,30,00,000 किसानों को 22,000 करोड़ रुपए से भी अधिक राशि किसानों के खाते में प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि के माध्यम से प्राप्त हुआ है। और मान कर सकते हैं एक किसान जिसको दवा के लिए, बीज के लिए, खाद के लिए 1,000, 2,000, 5,000 रुपए की आवश्यकता साल में पड़ती है, वह साहूकार से लेता है 20%, 24% में ब्याज लेता है। आज प्रधानमंत्री मोदी जी ने प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि हर किसान को सालाना 6,000 रुपए हम लोग देंगे। साल की 3 किस्त के आधार पर 2,000 रुपए की 3 किस्त हम देंगे। और अभी 25 तारीख को प्रधानमंत्री मोदी जी फिर से देश के 9 करोड़ किसानों को, जिसमें से 2,30,00,000 जो उत्तर प्रदेश के किसान हैं, इन सभी किसानों को प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि की 18,000 करोड़ रुपए एक साथ किसान भाइयों के खातों में देने वाले, सीधे अकाउंट में देने वाले हैं। और यही कारण है कि जब इतने भारी पैमाने पर कार्य हो रहा है तो कुछ लोग जिन्हें विकास अच्छा नहीं लगता वे गुमराह करने का कार्य कर रहे हैं, उन्होंने किसान भाइयों को गुमराह करना प्रारंभ कर दिया है। और गुमराह करने के लिए तमाम प्रकार का भ्रम पैदा करना, एक झूठ को बार बार बोलना, जिनके पास, जिनको जनता नकार चुकी है वे लोग आज गुमराह करके देश के अंदर माहौल खराब करने का प्रयास करना चाहते हैं। लेकिन भारत की जनता प्रबुद्ध है, जागरूक है, भारत की जनता किसी भी प्रकार के गुमराह में न्याय की उसकी अटूट निष्ठा, उसका अटूट जो विश्वास है वह प्रधानमंत्री मोदी जी पर है। और आज यही कारण है कि बड़े बड़े किसान सम्मेलन के माध्यम से किसान भाई पूरी तरह प्रधानमंत्री मोदी जी का समर्थन करते हुए दिखाई दे रहा है। भाइयों बहनों, यह गुमराह करके कहना कि कृषि कानून लागू होने के बाद एमएसपी समाप्त हो जाएगा पूरी तरह भ्रामक है। प्रधानमंत्री जी ने बार बार कहा है कि एमएसपी समाप्त नहीं होगा, लेकिन उस सब के बावजूद गुमराह करने का प्रयास हो रहा है। मंडी समितियों को समाप्त करने की तमाम भ्रामक सूचनाएं दी जा रही हैं। कोई भी मंडी समाप्त नहीं होने जा रही है, बल्कि मंडियां भी अपना काम करेंगी। और मंडी के बाहर भी अगर किसान भाई को अपने द्वारा उत्पादित अन्न की कीमत मंडी से ज्यादा दाम मार्केट के बाहर, मंडी से बाहर मिलता है, देश के किसी कोने में मिलता है, तो हमारा अन्नदाता किसान अपनी उपज को वहां ले जाकर के बेच सकता, उस पर कोई टैक्स नहीं लगेगा। यह अधिकार भी प्रधानमंत्री मोदी जी ने आपको दिया है। भ्रामक प्रचार करने का प्रयास किया जा रहा है कि किसान की खेती पे कब्जा हो जाएगा। कोई कब्जा नहीं करेगा, अन्नदाता किसान की खेत पर कोई कब्जा नहीं कर सकता, यह तो म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग है। दो लोगों के बीच में कॉन्ट्रैक्ट अगर होता है, दोनों की आपसी समस्या होता है। और सरकार इस मामले में यह भी गारंटी दे रही है कि अगर कॉन्ट्रैक्ट खेती प्रारंभ होती है तो कॉन्ट्रैक्ट खेती में किसान के हितों को पूरी तरह संरक्षित करने का कार्य भी इसके माध्यम से किया गया है। लेकिन विपक्ष गुमराह करने का प्रयास कर रहा है। भाइयों बहनों, आज किसान को जितनी सुविधाएं देने का कार्य हो सकता है, अन्नदाता किसानों के हितों के लिए पिछले 6 वर्षों के दौरान प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में केंद्र की सरकार ने पूरी प्रतिबद्धता के साथ उस कार्यक्रम को आगे बढ़ाया है। और पिछले 3.5 वर्ष के दौरान प्रदेश के अंदर भारतीय जनता पार्टी की हमारी सरकार ने भी पूरी मजबूती के साथ किसानों के हितों को संरक्षित करते हुए अन्नदाता किसानों के लिए जो कार्य हो सकता था उसको पूरी मजबूती के साथ आगे बढ़ाने का कार्य किया है। चाहे वह वर्षों
वर्षों से लंबित सिंचाई की परियोजनाएं रही हो, किसानों के कर्ज माफी का कार्य रहा हो, प्रदेश के अंदर गन्ना किसानों का अब तक रिकॉर्ड 1,12,000 करोड़ रुपए का गन्ना मूल्य का भुगतान अब तक हमारी सरकार ने प्रदेश के अन्नदाता किसानों के खाते में देने का काम किया है। और मैं आभारी हूं प्रधानमंत्री मोदी जी का कि जो हमारा यहां का किसान चीनी एक्सपोर्ट किया था दुनिया के अन्य देशों में, भारत सरकार ने जो एक्सपोर्ट सब्सिडी दी थी उसका पैसा भारत सरकार लीच कर रही है, पैसा सीधे किसानों के खाते में जाने वाला है। मैं इसके लिए प्रधानमंत्री मोदी जी का अभिनंदन करता हूं कि उन्होंने अन्नदाता किसानों के खाते में पैसा देने का कार्य किया है। अनुमान करिए कितना पैसा किसानों के खाते में जा रहा है। और यही नहीं, आप याद करिए 2017 के पहले प्रदेश के अंदर किसानों की उपज को खरीदने के केंद्र नहीं लगते थे, बिचौलिए और दलाल उसमें हावी हो जाते थे। 2017 के बाद प्रोक्योरमेंट का कार्य हमने प्रारंभ किया। पहले वर्ष जैसे मार्च में सरकार बनी, पहली अप्रैल से गेहूं का क्रय होना था। हम लोगों ने पहले ही वर्ष में 36 लाख मीट्रिक टन गेहूं का क्रय सीधे किसानों से किया। धान का क्रय 52 लाख मीट्रिक टन किया। अगले वर्ष 56 लाख मीट्रिक टन गेहूं का क्रय और 52 लाख मीट्रिक टन धान का क्रय सीधे किसानों से किया। और इस वर्ष आप जानी गए हैं कोरोना कालखंड में हम लोगों ने चीनी मिलें बंद नहीं होने दी। लोग कहते थे चीनी मिलें बंद हो जाए कर देनी चाहिए, हमने कहा नहीं, अन्नदाता किसान के हित में हम जो भी सावधानी बरतेंगे अपनी सावधानी बरतते हुए चीनी मिलों को बंद नहीं होने देंगे। हर किसान का गन्ना खेव किसान के गन्ना मिल तक पहुंचाने की व्यवस्था होगी, इस प्रकार की सुविधा सरकार देगी। हमने चीनी मिलें भी चलाई, खांडसारी उद्योग को भी चलाया और साथ साथ प्रदेश के अंदर गेहूं का क्रय हो धान का क्रय हो पूरी मजबूती और पूरी ईमानदारी के साथ करने का कार्य किया जा रहा है। भाइयों बहनों हम सब का रहे तो बनता है, जब सरकारें पूरी मजबूती के साथ पूरी संवेदनशीलता के साथ आपके हितों के लिए कार्य कर रही हो, कोई कारण नहीं होता है कि हम फिर किसी भी प्रकार से किसी को गुमराह करने का कोई अवसर उपलब्ध कराएं। ये जितना भी कदम केंद्र सरकार ने कृषि कानून के माध्यम से प्रारंभ किया है ये किसानों की आमदनी को दोगुना करने के साथ साथ ग्रामीण क्षेत्र में व्यापक रोजगार की संभावनाओं को बढ़ाने के लिए भी किया गया है। आखिर हमारा युवा भी गांव में ही रोजगार पाएगा, कोई फूड प्रोसेसिंग के उद्योग में पाएगा, कोई पैकेजिंग में पाएगा, कोई कृषि विज्ञान केंद्र की तकनीकी जानकारी देने के लिए पाएगा, कोई किसी अन्य उपज के माध्यम से कोई वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट के कार्यक्रम को आगे बढ़ा करके पाएगा। लेकिन हर स्तर पर हर एक नौजवान को हर एक किसान को उन किसान की आमदनी को बढ़ाने नौजवान को रोजगार के साथ जोड़ने की कार्रवाई सरकार करने जा रही है और आज का ये कार्यक्रम भी इसी श्रृंखला का हिस्सा है। मैं धन्यवाद दूंगा कृषि विभाग को जिन्होंने कृषि विज्ञान केंद्रों की एक चेन खड़ी कर दी है। पिछले 3 वर्ष के दौरान 20 से अधिक कृषि विज्ञान केंद्र प्रदेश के अंदर स्थापित हो रहे हैं और 20 से अधिक कृषि विज्ञान केंद्र, इन कृषि विज्ञान केंद्रों को कृषि विश्वविद्यालय के साथ जोड़ा गया है। और मुझे प्रसन्नता है कि 8 कृषि विज्ञान केंद्र तो अकेले आचार्य नरेंद्र देव कृषि विश्वविद्यालय के अंदर होने जा रहे हैं, स्थापित हो रहे हैं। उन्होंने तेजी के साथ काम करना प्रारंभ कर दिया है। मैं भी देख रहा था कितने बड़े बड़े उनकी प्रदर्शनी जो लगाई गई, प्रदर्शनी में कितने बड़े बड़े बेल उनके द्वारा उगाए जा रहे हैं, कितना अच्छा आलू, कितना अच्छा कारामक चावल, ये सभी कितने अच्छे और वैज्ञानिक पद्धति से उगा करके किसानों की आमदनी को कई गुना बढ़ाने का जो कार्य हो रहा है ये अभूतपूर्व है, अभिनंदनीय है। और इसी श्रृंखला में सेंटर ऑफ एक्सीलेंस की घोषणा भी पुराने कृषि विज्ञान केंद्रों के माध्यम से आगे बढ़ा करके किसी एक कार्य के लिए हम उसे सेंटर ऑफ एक्सीलेंस के रूप में विकसित करेंगे, नई तकनीक देने का कार्य करेंगे, जल संरक्षण के लिए कार्य करेंगे, कृषि के विविधीकरण के साथ उसे जोड़ने का कार्य करेंगे और
आगे बढ़ा सकता है। आज इसी दृष्टि से यह कार्यक्रम यहां पर है। मैं आप सभी अन्नदाता किसानों से अनुरोध करूंगा, आप जब इस कार्यक्रम के बाद बाहर निकलेंगे प्रदर्शनी का अवलोकन जरूर करिएगा। बहुत अच्छी प्रदर्शनी है, कृषि प्रदर्शनी भी है, और कृषि प्रदर्शनी के साथ साथ वहां पर कृषि से संबंधित तमाम प्रकार की जानकारियां भी शासन के स्तर पर, विश्वविद्यालय के स्तर पर कौन कौन से कार्यक्रम चल रहे हैं, इन सब की जानकारी भी वहां पर उपलब्ध कराई गई है। मैं अभिनंदन करूंगा प्रगतिशील किसानों का, जिन्होंने अपने स्तर पर भी कृषि क्षेत्र में नया शोध और नया कार्य करते हुए लोगों के लिए मानक तैयार किए हैं। बहुत अभिनंदनीय कार्य हमारे किसान बंधुओं ने किया है, प्रगतिशील किसानों ने किया है, और हमारे बाराबंकी के माननीय सांसद यहां बैठे हैं। हमारे बाराबंकी में तो बहुत सारे प्रगतिशील किसान हैं, यहाँ अयोध्या में बहुत सारे प्रगतिशील किसान हैं, और मैं चाहूंगा कृषि विभाग और साथ साथ विश्वविद्यालय और कृषि विज्ञान केंद्र सभी लोगों को आगे बढ़ाने की प्रक्रिया के साथ जुड़े और इनके प्रदर्शनी के माध्यम से इन्हें आगे बढ़ा करके प्रोत्साहित करते हुए अन्य लोगों के लिए इसका मानक तैयार करने का कार्य करेंगे। मुझे विश्वास है जो कार्यक्रम आज यहाँ पे प्रारंभ हो रहा है, यह आने वाले समय में किसानों को और भी खुशहाल करने का कार्य करेगा। आज के अवसर पर जब एक साथ यहाँ पर किसान सम्मेलन और कृषि प्रदर्शनी का भव्य आयोजन किया गया है, आप सभी इन योजनाओं का लाभ लेकर के यहाँ पर आचार्य नरेंद्र देव कृषि विश्वविद्यालय, इससे संबद्ध जितने भी कृषि विज्ञान केंद्र, इन सभी योजनाओं के बारे में जानेंगे, सीखेंगे। यह एक कार्यक्रम हम सबको यहाँ पर देखना होगा। मैं आज के इस अवसर पर अयोध्या की इस पवित्र धरती पर आप सबको हृदय से बधाई दूंगा कि 500 वर्षों की जो तमन्ना थी आपके पूर्वजों की, प्रधानमंत्री मोदी जी के कारण अयोध्या में भगवान राम के भव्य मंदिर के निर्माण का कार्यक्रम का शुभारंभ प्रधानमंत्री मोदी जी ने 5 अगस्त को अयोध्या की धरती से आगे बढ़ा दिया है। अब आप देख रहे होंगे अयोध्या एक नई अयोध्या के रूप में विकसित हो रही है। हमारी ऐतिहासिक और पौराणिक नगरी अपनी पौराणिक और ऐतिहासिक परंपरा को चूर्ण बनाए रखते हुए नए गढ़ेवर के रूप में दुनिया के सामने, दुनिया की सबसे खूबसूरत नगरी के रूप में सामने आएगी। हम सब पर प्रभु श्री राम की कृपा बनी रहे। हम सब खेती किसानी के साथ साथ विज्ञान और तकनीक के साथ जोड़ करके, नए अनुसंधान के साथ जोड़ करके प्रत्येक भारतवासी के चेहरे पर खुशहाली लाने में उत्तर प्रदेश का प्रत्येक नौजवान अपना योगदान दे सके, इस विश्वास के साथ आप सभी अन्नदाता किसान भाइयों बहनों के प्रति मैं एक बार फिर से यहाँ पर जो नए कृषि विज्ञान केंद्र, नए सेंटर ऑफ एक्सीलेंस के लोकार्पण और शिलान्यास का कार्यक्रम यहाँ पर आज संपन्न हुआ है, इसके लिए आप सबको मैं हृदय से बधाई देता हूँ, अपनी शुभकामनाएं देता हूँ और विश्वास व्यक्त करता हूँ कि सभी तकनीकी जानकारी लेकर के हम भी अपने अपने क्षेत्र में कुछ नया करके अन्यों के लिए प्रेरणादायी बन पाएंगे। इस विश्वास के साथ आप सबके प्रति मैं अपनी शुभकामनाएं देता हूँ। धन्यवाद। जय हिंद। एक और खबरों के लिए टीवी वन इंडिया को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकॉन को दबाना मत भूलें।